हाउस बिल्ला मिनट शेफानजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर अपलोड किया था जो कि डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज फॉर द ईयर 2022 के लिए था। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में जिसमें हम जूलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है जिसमें हम अपलोड करेंगे इसके एमसीक्यूज वगैरह और सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के ऊपर। सेक्शन ए जो है एमसीक्यूज का है जिसमें आपको दिए हुए होंगे 16 एमसीक्यूज जिसमें से आपको करने होंगे 16 के 16 और इसके मार्क्स भी है 16। तो चलते हैं सबसे पहला एमसीक्यूज के क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड टू इरिडिकेट। क्रॉप रोटेशन ऐसा प्रोसेस है कि वो खत्म करता है। तो इसका आंसर है जो करेक्ट आंसर है वो है डिजीज। नंबर सेकंड है डिस्टिनेक्टिव नाइट्रोजीनियस बेस फाउंड इन आरएनए। तो नाइट्रोजन आरएनए में कौन सा एक मुख्तलिफ नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है? एडिनिन ग्वानिन यूरेसिल और साइटोसिन। तो एडिनिन ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो डीएनए में भी पाया जाता है और एक यूरेसिल है जो कि इसके अंदर एक अलग है, तो इसलिए यूरेसिल इसका करेक्ट आंसर है। नंबर थर्ड ग्लाइकोलिपिड आर ऑल्सो कॉल्ड। ग्लाइकोलिपिड को कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियो सेरिब्रोसाइट। और अगर आपके पास आ जाए कि ग्लाइको प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज तो आपको लिखेंगे म्यूकॉइड्स। नंबर फोर है टेम्परेचर एट विच एंजाइम हैज नो एक्टिविटी। वो टेम्परेचर जिस पर एग्जाम एक्टिविटी नहीं करता तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आपके पास आ जाए कि टेम्परेचर एट विच एंजाइम परफॉर्म एक्टिविटी तो इसका करेक्ट आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर फाइव है सब्सटेंसेज विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। वो सब्सटेंसेज जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं वो कौन से होते हैं? वो है इनहिबिटर। और अगर आपके पास आ जाए सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिवेटर्स। रेडियोलारियंस बिलोंग टू द क्लास। रेडियोलारियंस कौन सी क्लास से ताल्लुक रखते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं रेडियोलारियंस होते हैं क्लास स्पोरोजोआ से, फाइलम स्पोरोजोआ से ताल्लुक रखते हैं और क्लास सर्कोडिना से। नंबर सेवन है इन स्पंजेस द एक्स करंट पोर्स थ्रो विच वाटर लीव्स आर कोल्ड। स्पंजेस के अंदर वो कौन सी जगह है जहां से पानी बाहर निकलता है? तो वो है ओस्क्यूला और जो पानी अंदर आता है उसे कहते हैं ओस्टिया। नंबर एट है मोलस्कन विच हैज एन इंटरनल शेल। वो मोलस्का जिसके पास इंटरनल शेल होता है तो वो करेक्ट आंसर है सीपिया। नंबर नाइन है रेगुलर चेंजिंग ओवर ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन इज कॉल्ड। तो इसे एक्डाइसिस कहते हैं। जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल में कुछ वक्त के बाद वो अपना एक्सटर्नल जो कवरिंग है उसे चेंज कर देते हैं न्यू वन से और उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्डाइसिस। नंबर टेन है प्लेकॉइड स्केल्स आर फाउंड इन दिस फिश। तो प्लेकॉइड स्केल्स कौन से फिश में पाया जाता है? कार्टिलेजिनियस। और अगर आपके पास आ जाए सेटिनॉइड स्केल किस कौन से फिश के अंदर पाए जाते हैं तो उसमें होगा बोनी फिश। नंबर 11 है द ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस अ हार्मोन। ह्यूमन स्टमक एक ऐसा हार्मोन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो आपके पास आंसर होंगे सही आंसर जो है वो गैस्ट्रिन है। अगर आपके पास आ जाए कि द ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूस अ एंजाइम तो फिर आपको पेप्सिन लगाना होगा। नंबर 12 है जाइमोजिन सेल सीक्रेट। जाइमोजिन सेल क्या सीक्रेट करता है? तो करेक्ट आंसर है पेप्सिनोजिन। नंबर 13 है एंजाइम विच हेल्प्स इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। वो कौन सा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? तो करेक्ट आंसर इसका है रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नंबर 14 है दिस ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द गिल्स। इसमें से कौन सी चीज़ है जो सरफेस एरिया गिल्स यानी गिल्स की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है? तो है लेमिली। नंबर 15 है अफोरिजन पार्टिकल्स सब्सटेंस दैट एलिकेट्स इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एंटीजीन। नंबर 16 जो है लास्ट वन है ब्लड क्लोटिंग इज इनिशिएटेड बाय। यानी ब्लड को कौन क्लोट करता है? तो ब्लड को क्लोट करने वाले जो सेल्स होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स। इस तरह जो एमसीक्यूज था सेक्शन ए का इसमें 16 एमसीक्यूज थे, इसमें वीडियो में हमने हल कर दिए। अब चलते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी का जैसे आपको पता भी होगा सेक्शन बी में आपको दो मेन क्वेश्चन दिए हुए होंगे। एक होगा रीजनिंग का क्वेश्चन, एक होगा नॉन रीजनिंग का क्वेश्चन। और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 6 दिए हुए होंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के आपको दो नंबर मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का व्हाई वाटर इज कॉल्ड एम्पोथेरिक मॉलिक्यूल। वाटर को एम्पोथेरिक मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? हाउ डज एंजाइम आइडेंटिफाई इट्स सब्सट्रेट? व्हाई मेटामॉर्फोसिस इन यूरोकोर्टेट्स इज कॉल्ड रिट्रोग्रेसिव? व्हाई इलियम इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज? हाउ डू बर्ड्स एग्जिबिट कंप्लीट वेंटिलेशन? हाउ अ पर्सन इज ट्रीटेड व्हेन सेन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली? अब इस तरह इस रीजनिंग के क्वेश्चन थे जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इस तरह नॉन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं जो भी 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी नॉन रीजनिंग के इसके हिसाब से हुआ तो है राइट अ नोट ऑन एंटीबायोटिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 9 है राइट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। नंबर 11 डिस्क्राइब रिस्पायरेशन इन कॉकरोच। और नंबर 12 राइट सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन ट्यूबुलर फॉर्म। इस तरह ये 6 नॉन रीजनिंग के क्वेश्चन थे, इसमें भी आपको 4 करने होते हैं। सेक्शन बी जो कि 16 नंबर का होता है और इसमें 4 रीजनिंग के क्वेश्चन करने होते हैं और 4 नॉन रीजनिंग के। इस तरह 8 क्वेश्चन उसके 16 नंबर यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब चलते हैं सेक्शन सी जो कि डिटेल क्वेश्चन पर था। इस सेक्शन में आपको 3 सवाल दिए हुए होंगे जो कि पहला सवाल है राइट
पहले सवाल है उसका पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होंगे। तो ए पार्ट ए में है कि राइट साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, क्लासिफाई द फाइलम एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री क्लासेस विद एग्जांपल, जो कि चैप्टर 10 से सवाल आया हुआ है। फिर इसका पार्ट बी है डिफरेंशिएट बिटवीन रेटिटाई और कार्निटाई और डिस्क्राइब फ्लाइट एडेप्शन इन बर्ड, ये भी सवाल भी चैप्टर 10 से आया हुआ है, शॉर्ट सवाल है दोनों। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी, अगर आपको पार्ट ए करना है तो पार्ट बी भी इसके साथ करोगे जरूर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू जो इस पेपर में आया है, वो ये है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफाई दूस गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ईच, चैप्टर नंबर टू से सवाल आया हुआ है। और दूसरा इसका है पार्ट बी राइट अ नोट ऑन आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी चैप्टर नंबर टू से सवाल आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जो इस चैप्टर इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन था, जो लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें पार्ट ए है डिस्क्राइब इन डिटेल इनेट इम्यून सिस्टम, यानी इनेट इम्यून सिस्टम को आप डिस्क्राइब करें डिटेल में। और नंबर जो पार्ट बी था वो है डिस्क्राइब एनी फोर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी सीवीडी का जो डिसऑर्डर है उसे आप डिटेल में एक्सप्लेन करें। ये दो सवाल चैप्टर नंबर 14 से थे, ये चैप्टर 2 से थे और ये चैप्टर नंबर 10 से थे। तो इस तरह ये छह लॉन्ग चैप्टर इन चैप्टरों से आए हुए थे, ये रीजनिंग और नॉन रीजनिंग के क्वेश्चन थे और ये एमसीक्यू जो के पूरे कोर्स से आए हुए थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और ये पेपर आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस साल के लिए ये पेपर आपके सामने आ जाए पेपर में बोर्ड में, तो आप इसकी तैयारी करें इसके एमसीक्यूज के, खास करके इसके रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन। और जो इंपोर्ट लॉन्ग है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वही लॉन्ग इंशाल्लाह आएंगे पेपर में, तो आप इसी पेपर की तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके जूलॉजी का पेपर आराम से निकल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।